नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक। पूरे देश में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में चोरी छिपे नशे का व्यापार भी किया जाता है। पूरा मामला जबा थाना क्षेत्र अंतर्गत इटोरी मोड़ का है, जहां उत्तर प्रदेश से लाई जा रही नशीली कप सीरप से भरी गाड़ी को रोककर एक आरोपी को वाहन सहित गिरफ्तार किया गया है। आपको बताएं कि इस नशे की तस्करी में कौन कौन शामिल है, इसकी जांच पड़ताल में पुलिस लगी हुई है। जिला पुलिस, आपको बता दें कि जिला पुलिस ने नवनीत भसीन ने बताया, एसपी ने, कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जबा थाना क्षेत्र में पकड़ी गई यह टोयोटा गाड़ी में, जिसमें 1320 बोतल कोरेक्स के साथ एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। उनका यह भी कहना है कि पुलिस की टीम लगातार आरोपी को पूरे मामले से पूछताछ कर रही है और कहा कि आने वाले समय में एक लंबे सरगना का और आने वाले समय में नशा की एक बड़े तस्कर का भी पता लग सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान में लगातार कार्रवाई के क्रम में थाना जवा में एक टोयोटा गाड़ी में 1320 बोतल कोरेक्स पकड़ी गई है। अभी एक आरोपी की इसमें अरेस्टिंग हुई है। अभी हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन के क्रम में उनसे पूछताछ कर रही है कि वो इस माल को कहाँ से लेकर आए थे, उसकी चेन क्या है, वाहन मालिक कौन है, अन्य कोई साथी हैं क्या, इस सब पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे कि उस चेन को कंप्लीट करके हम लोग अन्य आरोपियों तक भी पहुँच सकें। किस तरफ से ला रहे थे? अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है और उनसे पूछताछ के क्रम में जो जो डेवलपमेंट आएंगे आपसे हम लोग शेयर करेंगे।